हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं APPSC रिक्रूटमेंट 2020 की, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे भर्ती आ रही है, जिसमें BE BTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 15 अप्रैल 2020 रहने वाली है। ये ऑल इंडिया की जॉब है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है। इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे। फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है और एप्लीकेशन फ़ी क्या रखी गई है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से यहाँ पे JEE की रिक्रूटमेंट आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया गया है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि APPSC की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है JEE की, जिसमें आपको पोस्ट दिया गया है जूनियर इंजीनियर। टोटल जो वैकेंसी है वो 63 आई है। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हुआ है, तो फॉर्म जो है वो आपका फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है वो 15 अप्रैल 2020 रखा गया। एप्लीकेशन मोड आपका जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड रहने वाला। जॉब लोकेशन आपका अरुणाचल प्रदेश रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और क्या क्या डिटेल्स उसमें दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोस्ट आई है वो आपको 63 टोटल पोस्ट दी गई है, और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करें, तो सैलरी आपको जो मिलने वाली है वो 9300 से लेके 34800 प्लस आपको यहाँ पे ग्रेड पे भी दिया जाएगा 4200 का। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद एज लिमिट की बात कर ले हम लोग, तो 18 से मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल रखी गई और मैक्सिमम एज यहाँ पे 32 साल रखी गई। जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। उसके बाद या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में जो यहाँ पर दिया गया है, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो दो फेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपको रिटन एग्जाम के लिए कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो यहाँ पे आपको दिया गया है कंपल्सरी पेपर, जिसमें कि आपका इंग्लिश जनरल इंग्लिश रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका टेक्निकल पेपर होगा, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से। देन आपका यहाँ पे इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश आपके 100 मार्क्स के रहेंगे, जनरल नॉलेज भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और टेक्निकल पेपर यानी कि जिस भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर रहे हो वो भी आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 340 के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ईच पेपर के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है 33% और ओवरऑल यानी कि 340 में से आपको ओवरऑल जो एग्रीगेट लाना है वो 45% आपको लाना है, तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू का जो रेशियो रहने वाला है वो 1:3 रहने वाला है, यानी कि एक वैकेंसी पे 3 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है जो आपका पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पे बात कर ले, तो 100 रुपीज़ देनी है फॉर APST कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे 160 रुपीज़ लगने वाली है नॉन APST कैंडिडेट के लिए, जो कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको दिया गया है www.appsconline.in, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टेक्निकल सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया
वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप आपको इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लास्ट डेट जो फॉर्म की होने वाली है वो होने वाली है 15 अप्रैल 2020 4 बजे तक आपका रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो यही सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई थी। तो ये थी नोटिफिकेशन जो कि APPSC की तरफ से आई, इसमें कि जूनियर इंजीनियर का पोस्ट दिया गया है जिसमें BE/BTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर पाए, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।